कुमाऊं के सबसे बड़े कॉलेज एमपीबीजी छात्र संघ चुनाव में आखिरकार निर्दलीय प्रत्याशी रश्मि लमगड़िया ने बाजी मार ली है। ये एमबीपीजी से पहले महिला अध्यक्ष चिन्हित हुई है, जिन्होंने एबीवीपी के कौशल बिरखानी को जो है 1294 मतों से पराजित किया। वहीं एनएसयूआई इस मुकाबले में कहीं से कहीं तक टक्कर लेते नहीं दिखी। वहीं एनएसयूआई प्रत्याशी सूरज भट्ट को महज 470 ही वोट मिले। निर्दलीय अरहम रजार को सिर्फ 42 छात्रों का साथ मिला। जीत के बाद रश्मि ने कहा कि छात्रों ने जो उन पर भरोसा जताया है उस पर वो खरा उतरेंगी। देखिए, छात्र शक्ति ने दिखा दिया कि अगर छात्र शक्ति मेरे साथ है तो कुछ भी असंभव नहीं है। छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति है, जैसी मैं हमेशा कहते आई हूँ। और मैं एक बात कहना चाहूँ, जब बेटी खड़ी होती है तो जीत बहुत बड़ी होती है, जिसका उदाहरण आज आप लोग सभी लोग देख रहे हैं। यहाँ पर जीत गई है रश्मि लमगड़िया, उनका नाम है। और ये एमबी कॉलेज का एक इतिहास है कि पहली बार एक महिला प्रत्याशी को छात्र और छात्राओं ने चुना। ये भी अपने आप में एक गरिमा का विषय है, क्योंकि छात्राओं का जो मामला है वो हमेशा प्रकाश में रहता है, महिला सुरक्षा रहती है प्रकाश में। तो इस छात्रा ने ये दर्शा दिया कि शायद छात्रा भी कुछ कर सकती है अपने महाविद्यालय के लिए, और ये वोटर्स ने साबित कर दिया।